हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला है। इसमें हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ बोले तो बहुत कुछ करने वाले हैं। मैं 10 गाड़ियां कलेक्ट करूंगा, उस पर 10 लोगों के नाम लूंगा। आपने बहुत सारे कमेंट किए थे पिछले इस वाली वीडियो में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन गाइस, लाइक बहुत कम थे, कमेंट ज़्यादा हुए थे। तो लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि आज तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करने वाला है। बहुत टाइम लगेगा वीडियो बनाने में, और सही में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है वीडियो बनाने में। तो चलते हैं अभी ऑफिस, शुरुआत करते हैं जो जो करना है वो सब चीज़ों की। तो ऑफिस की ओर बढ़ते हैं यहाँ से, और अपडेट भी आने वाले हैं। अपडेट नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, आ भी चुका है अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तब तक अपडेट आ चुका है। तो अभी चलता हूँ, पहले यहाँ पे ड्रैग रेस देख के आते हैं कौन सी गाड़ी आई हुई है। क्या पता कोई अच्छी गाड़ी हो, मज़ा आ जाएगी तब। ओ भाई, अच्छी तो है लेकिन बैट इस कार नहीं हो पाएगा। तो निकल लेते हैं यहाँ से, यहाँ रुक के कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि बैट इस कार नहीं होगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। चलते हैं वापस से ऑफिस, बाद में आएंगे यहाँ पे, देखेंगे बैट इस कार होता है कि नहीं होता है। नहीं होगा तो रेस कर लेंगे। बाकी आज ऑक्शन है, आज ऑक्शन भी जाएंगे, कोई एक गाड़ी आए पहले देख के आते हैं ऑक्शन में गाड़ी कौन सी आई है। वही ट्रिक लगाएंगे वहाँ पे जाके, ऐसे गाड़ी उसमें टच करके वहाँ से एग्जिट मारेंगे, देखेंगे कौन सी गाड़ी आई है। बस कहीं कोई अच्छी एक गाड़ी आ जाए जिससे बैट इस कार हो जाए। बाकी गाड़ियों कलेक्शन मेरे को ना पैसे कम है, गाड़ी ज़्यादा चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे ट्रिक लगाया मैंने, अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। यार ओ भाई, बस एक सही गाड़ी है, वो लैम्बोर्गिनी है, और एक मर्सिडीज कूपे भी है। तो ये दोनों गाड़ियाँ हम ऑक्शन में से लेने वाले हैं। तो अभी लेके उसके बाद मैं डायरेक्ट आपसे मिलूँगा। उससे पहले चलते हैं थोड़ा ऑफिस देख के आते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, गाड़ियाँ वहाँ साफ़ करते। बाकी आज अपने को एम्प्लॉय को अपने वो करने हैं कपड़े पहनाने हैं, कपड़े अभी पहनाए नहीं आज भाई। तेरे को कपड़े मिल जाएंगे तो टेंशन मत ले। बाकी स्किल पॉइंट भी देखो अभी 0 है, एंड तक 2 हो जाएगी, तो हम इसको कपड़े भी पहना देंगे। तो अभी ऑफिस ओपन कर देते हैं, चलते हैं। अभी गाड़ियाँ वाले साफ़ कर लिए हैं, अब जाते हैं सीधा ऑक्शन के लिए, ऑक्शन में से खरीदते हैं वो लैम्बोर्गिनी। तो अभी लैम्बोर्गिनी खरीद के आ चुका हूँ ड्रैग रेस करने के लिए। अब यहाँ पे ड्रैग रेस करेंगे लैम्बोर्गिनी से, देखते क्या आता है। बाकी 900 लगवा दिया है, कुछ था नहीं। बाकी ये बैटिस कार इससे भी नहीं हो रहा है, तो अपने को यही पैसा लगा के वो करना पड़ेगा रेस, और कुछ कर नहीं सकते। तो चलो अभी रेस लेट साइड गो हो चुका है, अब देखते हैं क्या होता है। भाई ये व्हाट इज दिस ब्रो, भाई ये बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चल रही है लैम्बोर्गिनी। भाई फरारी ना हरा दे इसको, आगे निकला नहीं सीट ब्रो, निकल गया और जीत भी गया। बहुत बेकार लैम्बोर्गिनी यार ये तो, भाई अपना मूड ख़राब कर दिया यार। वो भी फरारी से हार गई, ये महंगी आती है फरारी सस्ती आती है। बाकी अभी बाजू में एक और लैम्बोर्गिनी आई है, मेरी थोड़ी फट रही है इससे बैट इस कार करूँ कि नहीं करूँ। अभी हार गया तो क्या होगा मेरा, कोई बात नहीं, रिस्क लेते हैं और करते हैं इससे रेस। रेस करके देखते हैं, अगर जीत गया भाई तो 2 हो जाएगी लैम्बोर्गिनी। तो चलते हैं पहले गाड़ियाँ साफ वाफ करके आते हैं, एक्सपी पॉइंट चाहिए ना। तो अभी मस्त गाड़ी वाड़ी सब साफ सफाई करके आ चुका हूँ, और मेरी अभी भी फट रही है कि इससे ड्रैग रेस करूँ कि नहीं करूँ। भाई चल दी ये भी फरारी, बहुत खतरनाक लॉस हो जाएगा। कोई नहीं, दिल पे पत्थर रख के कर लेते हैं बैट इस कार, ज़्यादा देर क्या होगा, एक लैम्बोर्गिनी जाएगी ना। चलो लेट सेट गो हो चुका है, अब लेके भगाते हैं भाई, प्लीज़ भागियो, जिता दियो। अभी तो सेम पे चल रहे हैं, और ये आगे निकल रहा हूँ भाई, एकदम इतना सा डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस। वो तो सही टाइम पर शिफ्ट मार रहा हूँ तो जीत गया। अगर जरा सा भी देर की होती ना भाई शिफ्ट मारने में, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता और चल देती मेरी लैम्बोर्गिनी। तो अभी अपने पास 2 लैम्बोर्गिनी हो चुकी है, इस पर 2 लोगों का नाम आ जाएगा जिन्होंने पहले कमेंट किया। मैं सोच रहा हूँ पहले उनका नाम लगाओ, उसके बाद बाकी मैं सोच रहा हूँ ना GTR पे से सबके नाम हटवा दूँ, क्योंकि ये पार्शियलिटी हो जाएगी ना भाई। कुछ लोगों के नाम GTR पे होंगे, कुछ लोगों के नहीं होंगे तो उनको बुरा लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ सबके नाम GTR से हटा के ऐसी गाड़ियों पर लगा दूँ, तो यही सोचा है मैंने। बाकी अभी चलते सोने के लिए, कल सुबह आएंगे अब। बाकी अभी सो के आ चुका हूँ, नेक्स्ट डे, और अभी जा रहा हूँ ड्रैग रेस की तरफ। बाकी भाई कोई बुरा नहीं मानेगा हाँ अगर GTR पे नाम नहीं लिखा, क्योंकि भाई GTR पहले से ही बहुत कम है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो ऐसे बाकी लोगों के साथ बुरा ना हो, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ऐसी गाड़ियों पे लिख दूँ नाम। और भाई GTR की बात हो रही थी, और ड्रैग रेस में ये GTR आई है भाई, अगर ये मिल गई ना मेरी 4 GTR हो जाएगी भाई, सो मच हैप्पी आई एम। तो अभी चलता हूँ जल्दी से जाके GTR लाता हूँ, और इससे ड्रैग रेस करके इसको अपने हवाले कर लेता हूँ। बाकी भाई तुम लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमारी। ये देखो आ चुका हूँ अभी लेके अपनी GTR, और रेस लगा दी है भाई, बस होप करते ये जीत जाए। बाकी अगर हार गया तो एक GTR माइनस हो गएगी, और जीत गया तो हमारे पास 4 GTR हो जाएगी। तो मैंने बोला था आज की वीडियो में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है, तो उसमें से एक ये भी थी कि अच्छी चीज़ होने वाली है। तो अभी चलो स्टार्ट हो गई है रेस,
बस भाई जीत जाओ, जीत जाएंगे भाई। अभी आगे चल रहा हूँ, अच्छे स्विफ्ट मार रहा हूँ एकदम। ये जीत गए भाई, 4 GTR हो गई है, मस्त। अभी मज़ा आएगी भाई, अब 4 GTR है अपने पास। तो चलो वाली टो करा दी, अब इसको मस्त साफ सूफ कर रहा हूँ, अपनी 4th GTR नई इसको साफ सफाई कर रहा हूँ इसकी। बाकी इसको सोच रहा हूँ एकदम फुल ऑरेंज कलर कराऊँ, एकदम घट ऑरेंज कलर। तो चलेंगे अभी इसको लेके रिपेयर करा के मस्त फुल ऑरेंज इसका कलर करेंगे। मैं सोच रहा हूँ ऑरेंज के बजाय ना वाइट कलाते हैं, क्योंकि हमारी जो वाइट वाली GTR तो उसको मैंने ब्लू कर दिया था, तो सोच रहा हूँ वो वापस उसको वाइट कर दूँ। एक वाइट GTR भी रहनी चाहिए ना। तो फाइनल हो गया भाई, वाइट ही कराएंगे। चलो ये अंकल जी से बोलते हैं, वाइट कर दो अंकल जी इसको फुल एकदम मस्त। देखते हैं इसको फुल वाइट रखेंगे, बाकी देखते हैं पार्ट तो सही है। पॉलिश में इसको स्मूथनेस फुल रखते हैं, मेटेलिक मेरे ख्याल से एकदम लो रखना चाहिए, तब वाइट कलर एकदम खिल के आएगा, एकदम फुल रोशनी। देखो लग रही है एकदम चमक रही है वाइट कलर, मेटेलिक एकदम डाउन कर दिया मैंने, सही है। अभी चलो लेके चलते इसको, बाकी GTR के साथ में खड़ी कर देते हैं, देखते हैं हमारी एक साथ 4 GTR खड़ी कैसी लगती है। बाकी गाइस वीडियो को लाइक कर दो अभी फिर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जाके अभी तक जिसने नहीं किया है। भाई यार आप लोग वीडियो भी देखते हो लाइक नहीं करते, तो लाइक जरूर कर देना प्लीज़। मेरे ख्याल से पहले सो के आ जाता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा। तो सुबह उठा ही था तो कार मार्केट ओपन दिखी, तो पहले कार मार्केट आ गया। तो अभी चलते यहाँ से गाड़ियाँ खरीदते, नाम लिखने के लिए बहुत सारी गाड़ी चाहिए भाई अपने को, 10 नाम मैंने सिलेक्ट किए तो 10 गाड़ियाँ होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे फिर लैम्बोर्गिनी मिल गई भाई, तो चलो अभी लैम्बोर्गिनी इसको परचेस करते हैं। तो फाइनली भाई बहुत मेहनत के बाद जाके तुम्हारे भाई ने इतनी सारी गाड़ियाँ कलेक्ट कर ली। ये देखो पूरी की पूरी 9 गाड़ियाँ हैं, शायद 8 से 9 गाड़ी है, बाकी एक आध बच रही है, वो अपन लाएंगे जल्दी। अब इतनी गाड़ियाँ कुछ कलेक्ट कर दी है, इन पर ही नाम लिखना भाई, मोबाइल की इतनी औकात नहीं है कि मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ कलेक्ट कर सकूँ, इसीलिए भाई बहुत ज़्यादा मर रही है मोबाइल। बाकी मैंने उन सभी गाड़ियों को बेच दिया है, और मेरे पास काफ़ी जमा हो चुके हैं XP पॉइंट, 2 स्किल पॉइंट हो चुके हैं। तो चलो अभी इसको कपड़े पहना देते हैं गरीब को, ये देखो भाई लग रहा है ना अभी एकदम हीरो। बोले तो ना नेक्स्ट एपिसोड में कपड़े पहना दूंगा, पहना दिया ना। बाकी अभी इसको नेक्स्ट लेवल करूँ या नहीं करूँ आप कमेंट में बताओ। अभी देखते हैं इससे क्या काम बढ़ा है, क्या काम आगे करता है अपग्रेड करने के बाद। बाकी ये काम तो हो चुका है, बाकी अभी सबसे बड़ा काम हमने ये करना है भाई, गाड़ियों पे नाम लिखना है। मोबाइल तो इतनी ज़्यादा मर रही है, और मैं दिखाऊंगा नहीं गाड़ियों पे नाम लिखते हुए, क्योंकि अगर दिखाने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सीधा मिलता हूँ आप लोगों को नाम लिखने के बाद, सीधा अभी 2 दिन लगेंगे मुझे नाम वाम सब लिख के सब करने में। तो मिलता हूँ सीधा Day 22 को, और सबका नाम दिखाता हूँ किसका किसका नाम मैंने लिखा है। तो मिलता हूँ अभी 2 दिन बाद। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करके नाम वाम लिख ही रहा था सबका गाड़ियों पर, उसी बीच में भाई देखो फर्स्ट टाइम ये कार आ रही है ड्रैग रेस में, तो मैंने सोचा कि इससे ड्रैग रेस की जाए और दिखाया जाए। और ये गाड़ी का नाम है डॉज रिवर, फर्स्ट टाइम आ रही है ड्रैग रेस में, मैंने भी देखा है फर्स्ट टाइम आ रही है। तो चलते हैं अब इससे ड्रैग रेस करके देखेंगे कैसा लगता है, और कितना जीतते कि नहीं, स्पीड देखते कैसी है। तो अभी लेट सेट और गो हो चुका है, और ये भाई एक्सपेक्टेशन से गिर जाती है गाड़ियाँ यार जब वो करने लग जाओ तो। देख लो मैंने बहुत ज़्यादा स्लो GTR चलाई, फिर भी मैं जीत गया, क्योंकि 250 तक ऐसे स्पीड जाती है या ऐसी गई नहीं भाई। कोई बात नहीं, हरा दिया हमने न्यू कार जो आई थी उसको भी। तो अभी चलते अपना काम में कंटिन्यू करता हूँ, मैं नाम वाम लिख रहा हूँ सबका, तो मिलता हूँ अभी नाम लिखने के बाद। तो फाइनली तुम्हारा भाई 2 दिन बाद आ चुका है गेम में, 2 दिन बाद आ चुका है। तो अभी चलते, बाकी हमारी यहाँ चारों GTR खड़ी हुई है, इस पे सभी पे मैंने स्काई लिख दिया है नाम हटा के सबका, ताकि भाई पार्शियलिटी ना हो इसके वजह से। तो इस पे से नाम हटा दिया जिसका था उसको, सॉरी भाई हटा दिया मैंने उसके लिए। तो अभी चलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ सारी 10 की 10 गाड़ियाँ कलेक्ट करके अंदर खड़ी कर दी मैंने, और अभी नाम दिखाता हूँ। पहला नाम है हमारा SK आयान, वो शेख आयान था पूरा, तो गाड़ी कितनी औकात नहीं थी इतना बड़ा नाम लिखा, SK आयान लिख दिया। बाकी ये भाई ने कमेंट किया था हर्षित मेरा नाम लिखो, तो मैंने लिखा है हर्षित, तो थैंक्स फॉर कमेंट दोनों को भी। और ये आर्यन बोल रहा हूँ, आर्यन ये भाई ने भी कमेंट किया था, तो आर्यन लिखा है इस गाड़ी पे, और इस पे लिखा है आयान 10। ये भाई का बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे ब्रो एंड थैंक्स फॉर कमेंट, आपने कमेंट किया उसके लिए थैंक यू। बाकी हैप्पी बर्थडे था भाई का, भाई ने कमेंट करके बोला था नाम लिखो। बाकी GTR पे तो नहीं लिखा उसके लिए सॉरी। बाकी इस पे Mr. X, ये भाई ने कमेंट किया था Mr. X लिखने के लिए, तो मैंने लिखा है Mr. X। बाकी इस वाले पे देखो, इस वाले पे क्या लिखा है अर्जुन, ये भाई ने भी कमेंट किया था अर्जुन, तो मैंने इसका नाम लिखा है। बाकी नेक्स्ट वाले पे लिखा है घोस्टेड जी, ये गेमर था लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं आ पाया इसलिए मैंने घोस्टेड जी लिख दिया। बाकी इस पे क्या लिखा है इंडियन गेमर, ये भी इंडियन गेमर था, तो IND गेमर लिख दिया मैंने, क्योंकि नंबर प्लेट पर उतना बड़ा नाम आ नहीं सकता था। तो थैंक्स फॉर कमेंट भाई जितने भी कमेंट किया। बाकी इसमें ब्रोस गेमिंग, ये भाई हमारे हर वीडियो पर कमेंट करता है,
इसका नाम ब्रदर्स गेमिंग था, बाकी मैंने ब्रो जिमिन लिखा है, पूरा नाम नहीं आ पा रहा था इसलिए कोई बात नहीं। बाकी भाई मेरा ये धंधा खा चुका है, अब ये गाड़ियाँ साफ कर दो। बाकी हमारा लास्ट नाम है सूफियान, ये भी मैंने लिखा है सूफियान, ये देखो। बाकी मेरा सही में धंधा खा चुका है भाई, अब ये गाड़ियाँ साफ करता मुझे एक्सपी पॉइंट मिलता नहीं है, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसको अपग्रेड नहीं करूँगा। अब ये जब तक गाड़ियाँ साफ़ कर रहा है, इससे पहले मैं गाड़ियाँ साफ़ कर लेता हूँ। बाकी भाई जिस जिसका नाम मैंने लिखा, प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करना अगर आप लोग देख रहे हो तो, और थैंक्स फॉर कमेंट एक बार और, तभी जल्दी जल्दी गाड़ियाँ साफ़ कर लेता हूँ, नहीं तो आके साफ़ करेगा तो मेरा धंधा खा रहा है भाई ये, इसको मैं आगे अपग्रेड नहीं करूँगा, नहीं तो और तेज तेज गाड़ियाँ साफ़ करने लग जाएगा इसीलिए। बाकी सॉरी गाइस, वीडियो में वॉइस क्लियर नहीं रहती है क्योंकि मैं ऐसे अपने दरवाजे पे बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ, तो गली में से आवाज़ आ जाती है वो भी आ जाती है, इसीलिए वॉइस क्लियर नहीं रहती है, तो उसके लिए सॉरी। समझ सकते हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो अभी सारी गाड़ियाँ मैंने साफ़ कर दी, कुछ एक्सपी पॉइंट मिल चुके हैं, बाकी ये सारी गाड़ियाँ नेक्स्ट एपिसोड में सेल होने वाली, और नेक्स्ट एपिसोड में अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अभी आ चुका है, जब तक ये वीडियो जारी होगी तो मैं दिखा दूंगा, अभी तो बता देता हूँ। हाँ, अपडेट आ चुके हैं, आप लोग जाके कर लेना अपडेट, डर्ट वगैरह आ चुके हैं गाड़ी पर, डैमेज वैमेज साफ दिखने लग गया है, जाके कर लेना। अभी चलता हूँ ड्रैग रेस में, अभी ड्रैग रेस में आ चुका हूँ, यहाँ पे फिर से मिली है डॉज रिवर, इसे फिर रेस करते हैं, फिर हराएंगे इसको। पिछली बार तो बुरी तरह से हरा दिया था, इस बार भी बुरी तरह से हराएंगे, दो बार न्यू गाड़ी को हरा दिया मैंने, तो अभी चलो आ गया हूँ, लेट सेट गो हो चुका है, अभी चलते हैं। और शिट ब्रो, ये जब भी होता है ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब मैं चल रहा हूँ और वो गाड़ी रुकी हुई है, ये वाला ग्लिच कब फिक्स होगा भाई, कब फिक्स होगा, प्लीज़ इसको फिक्स करो, हो सकता है न्यू अपडेट में हो चुका होगा फिक्स, बट कोई बात नहीं, जान दो यार, हार चुका हो। बाकी एक और निशान GTR आ चुकी है भाई, ये पाँचवीं निशान GTR, ये क्या हो रहा है भाई, भाई ये क्या हो रहा है, फुल अभी मजे आने वाले हैं भाई तुम्हारे भाई को, पाँचवीं GTR होगी अगर ये जीत गया तो। अभी पहले गाड़ी साफ करता हूँ पहले, उसके बाद चलता हूँ नई नवेली GTR लेके, एक और नई नवेली GTR लेने के लिए। अभी देखो गाड़ी साफ हो रही है मस्त, बाकी भाई सोचो पाँच GTR, अभी सातवें एपिसोड तक शायद ये सातवा एपिसोड होगा, अभी चलते इसको लेके एकदम फुल स्पीड में, और ये जीत गए भाई, इतना तो मालूम ही, अब एक्सपर्ट हो चुके हैं GTR में, तो GTR वर्सेस GTR में जीत चुका है, और हमारी पाँचवीं GTR आ गई है। बाकी हमने पिछली वाली GTR को ऑरेंज कलर नहीं कराया, तो चलते इसको फुल ऑरेंज कलर कराएंगे। बाकी यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार भाई, लाइक कर दो जल्दी से, मालूम है अभी तक तुमने लाइक नहीं किया है, तो जाके जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे वीडियो आने वाली काफ़ी खतरनाक खतरनाक। तो आ गए अभी रिपेयर शॉप, चल के इसको फुल अभी ऑरेंज कराते हैं यहाँ से, अभी इसमें कलर ढूंढना बहुत मुश्किल है यार, ऑरेंज कलर अभी ढूंढना पड़ेगा। अभी ये तो थोड़ा येलो दिख रहा है, तो इसको थोड़ा ड्रैग करके ऑरेंज की तरफ लेते, ये लग रहा है ऑरेंज, तो इसको करा देते हैं कलर, और इसको पॉलिश पार्ट तो सही है सब, अभी पॉलिश में स्मूथनेस फुल रखता हूँ, बाकी मेटेलिक देखते हैं, ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए, हल्का ही, तो मीडियम रखा हो इसको। चलो अभी हो चुका ये फुल एकदम मस्त ऑरेंज कलर, एकदम भारी लग रहा है भाई, देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है। अभी चलते हैं इसको पांचों GTR को एक साथ खड़े करके दिखाता हूँ कैसी लग रही है हमारी एक साथ पांच GTR। बाकी हम 200 सब्सक्राइबर की तरफ जा रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एक बार और बोल रहा हूँ। तो अभी आ चुके हैं यहाँ पे, अब GTR को खड़े करते हैं, एकदम अच्छे से लगाता हूँ, बाकी पार्किंग में एक्सपर्ट नहीं हुआ अभी तक, वो भी जल्दी हो जाऊँगा। बाकी आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखना, आगे भी बहुत कुछ करना है, अभी हमारे पास एक भी ला फरारी आई नहीं है क्योंकि कभी अब तक की सबसे फास्टेस्ट कार तो अपनी यही है। बाकी भाई दो लोगों ने ना और कमेंट किया था, उनके कुछ सवाल थे तो उनको मैं बताना चाहूँगा, ये दो कमेंट थे, एक तो एम्प्लॉय कैसे हायर करें और GTR कैसे मिली मुझे, तो ये आपको अगर देखना है तो आपको ये फर्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, आप जाके ये फर्स्ट एपिसोड देख लो, इसमें मैंने बताया है कि कैसे एम्प्लॉय हायर करें और GTR मुझे कैसे मिली, मेरी पहली GTR, मेरी पहली GTR जैसी मिली ना उससे मैंने ड्रैग रेस कर करके GTR बढ़ा ली, ऐसे मेरे पास थी नहीं ज़्यादा GTR एक ही मिली थी, वो भी सेंटा से मिली थी, इतना तो बता दिया। बाकी आप फर्स्ट एपिसोड जाके देख लो। बाकी हमारी लास्ट गाड़ी एकदम अच्छे से पार्क कर दी है, देखो कुछ इस तरह से पैटर्न रखा है, दो इस साइड एक सेंटर में, अभी चलते मस्त एकदम सब कुछ हो चुके। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में सेल होंगी सारी गाड़ियाँ, बड़ी पाँचों GTR कितनी प्यारी लग रही है देखो भाई। चलता हूँ अभी सोने के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना बहुत था, आई होप आज मैंने बहुत सारी चीज़ें कर दी, आप लोगों को भी अच्छा लगोगे, बाकी ऐसी सपोर्ट बनाए रखना, एंड थैंक यू एवरीवन, अभी तक बहुत ज़्यादा प्यार मिला है उसके लिए शुक्रिया। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक भी आ रही है पहले से बेहतर, और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।